अल्माइटी पब्लिक स्कूल में भूकंप आने पर कैसे बचा जाए, कैसे व्यवहार किया जाए और दूसरों की मदद कैसे की जाए, भूकंप के बाद फर्स्ट एड का क्या महत्व है आदि पर मॉक ड्रिल करवाई गई और भूकंप के समय और बाद में क्या सावधानी बरतनी चाहिए सहित कई विषयों पर जानकारी भी दी गई। हमीरपुर के अल्माइटी पब्लिक स्कूल में भूकंप आने पर कैसे बचा जाए, कैसे व्यवहार किया जाए, अपनी सुरक्षा कैसे की जाए तथा दूसरों की मदद कैसे की जाए, भूकंप के बाद फर्स्ट एड का महत्व क्या है आदि पर मॉक ड्रिल करवाई गई। मॉक ड्रिल से पहले बच्चों को भूकंप क्यों आता है और भूकंप से बचने के लिए क्या करना चाहिए, भूकंप के समय और बाद में क्या सावधानी रखनी चाहिए आदि विषय पर जानकारी दी गई। छात्रों को प्रोजेक्टर पर एक प्रेजेंटेशन भी दिखाई गई। बजर बजते ही सभी छात्रों ने भूकंप मॉक ड्रिल में हिस्सा लिया। वे सीढ़ियों से बड़े आराम से नीचे उतरकर स्कूल के खुले मैदान में आए। कक्षा में रहने पर भी वे टेबल के नीचे छिपे। किसी ने अपने सिर को बचाने के लिए सिर पर किताब रखी तो कोई कोने में जाकर खड़ा हुआ। स्कूल की अध्यापिका दीप्ति ने बताया कि ये मॉक ड्रिल सफल रही और इसमें बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। स्कूल संस्थापक पूजा मिन्हास ने बताया कि ये बहुत जरूरी है कि बच्चों को प्राकृतिक आपदा के बारे में और इससे बचने के बारे में पहले से ही पता होना चाहिए ताकि वे जागरूक हो सकें और समय पड़ने पर सावधान रह सकें। उन्होंने अध्यापकों को बधाई दी और कहा कि उन्होंने छात्रों को प्राकृतिक आपदा से बचने के लिए तैयार किया है।